गाइस स्वागत है आपका टेक विद क्रिश चैनल पर। इस चैनल पे आपको लेटेस्ट टेक रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंस्टाग्राम पर हम कोई भी लिंक कैसे शेयर कर सकते हैं, या कह लीजिए इंस्टाग्राम पर हम स्वाइप अप स्टोरी कैसे लगा सकते हैं। तो गाइस इंस्टाग्राम के बारे तो आप सभी जानते हैं, इंस्टाग्राम दुनिया की सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग ऐप है जिसकी मदद से लोग आजकल लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब दोस्तों इंस्टाग्राम पर हमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि हम कोई भी फोटो डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, स्टोरी डाल सकते हैं, यहाँ तक कि हम अपने इंस्टाग्राम पर कॉल पे और वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी इंस्टाग्राम पे हम अपना लिंक भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है और उसमें ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, तो आप दो तरीकों से इंस्टाग्राम पर लिंक शेयर कर सकते हैं। एक डायरेक्ट मैसेज के थ्रू यानी DM करके किसी को भी अगर आप लिंक भेजेंगे, तो उस लिंक पे जब कोई क्लिक करेगा तो वो वेबसाइट खुल जाएगी। साथ ही साथ आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की बायो की वेबसाइट पर कोई भी लिंक डाल सकते हैं। अब दोस्तों ये जाहिर सी बात है कि हम हर इंसान को लिंक DM नहीं कर सकते, ना ही हम बार बार अपनी बायो की वेबसाइट में लिंक को चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए जिनके इंस्टाग्राम पर कम फॉलोअर्स हैं वो काफी परेशान रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ यही दो तरीकों का यूज करके इंस्टाग्राम पर लिंक शेयर कर सकते हैं। पर अगर आपके 10,000 या उससे ज्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं, तो एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप कोई भी लिंक अपने सभी फॉलोअर्स के लिए शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्वाइप अप लिंक की। ये एक ऐसा फीचर है जो 10,000 फॉलोअर्स या फिर वेरीफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट को ही मिलता है, और इसके बाद आप कोई भी लिंक अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों स्वाइप अप लिंक लगाना काफी आसान है, और इसे समझाने के लिए मुझे आपको लेके चलना पड़ेगा अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहाँ दोस्तों अपने इंस्टाग्राम पर स्वाइप अप लिंक लगाना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे स्टोरी पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों डेमो के लिए मान लीजिए मैं अपनी YouTube वीडियो को यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, तो उसकी फोटो मैंने यहाँ लगा दी है। अब यहाँ अपनी वीडियो का लिंक लगाने के लिए मुझे यहाँ टॉप पे स्टिकर आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं लिंक लिखा हुआ है, तो लिंक पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ मुझे अपनी YouTube वीडियो का लिंक डाल देना है, तो यहाँ मैं वीडियो पे क्लिक करूंगा और इसके बाद ऊपर शेयर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपी का ऑप्शन है, तो लिंक कॉपी हो गया। अब वही लिंक मुझे यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो लिंक मेरा यहाँ पे पेस्ट हो गया। डन पे मुझे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब लिखा हुआ आ गया है। इसके बाद आपको सेंड टू पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी स्टोरी में लगा देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टोरी मेरी यहाँ पे लग चुकी है। अब दोस्तों मेरे अकाउंट में इंस्टाग्राम स्टोरी लग चुकी है। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा यूट्यूब के लिंक पे क्लिक करूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विजिट लिंक का ऑप्शन आया है, और इसके बाद मेरी वो वीडियो ओपन हो जाएगी जिसका लिंक मैंने यहाँ पे डाला है। तो ऐसे आप गाइस स्वाइप अप लिंक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे लगा सकते हैं। बस आपके अकाउंट में 10,000 या उससे ज्यादा फॉलोअर्स होने चाहिए, या फिर आपका अकाउंट ब्लू टिक से वेरीफाइड होना चाहिए। तो गाइज उम्मीद है आपको समझ आ गया हो कि इंस्टाग्राम पर हम स्वाइप अप लिंक कैसे लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों इंस्टाग्राम की अगर आप और टिप्स और ट्रिक्स जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलूंगा आपसे कल फिर मैं एक नई लेटेस्ट टिप्स और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।